नमस्कार मित्रों, आप लोगों की ज़बरदस्त डिमांड पर ये वीडियो मैं एक बार लेकर आया हूँ आपके सामने। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 वेटिंग से संबंधित बहुत ही खास वीडियो आपके लिए होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 की रिजर्व लिस्ट में आप हैं और इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग का, और तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है मित्रों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करें, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो प्रारंभ। तो देखिए मित्रों, ये सेकंड ग्रेड 2018 का नोटिफिकेशन है, तो कितने कितने पद थे सभी विषयों में वो एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी विषय के जो टोटल पोस्ट थे, यहाँ पर हम नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1568 पोस्ट थी। अंग्रेजी की बात करें तो 819 पोस्ट थी टोटल, और विज्ञान की बात करें तो 1172। उसके बाद बात करें गणित की, तो दोस्तों मैथ में 727 कुल पद थे, और सामाजिक विज्ञान में 1954 पद थे, संस्कृत में 2029 पद थे, उर्दू में 118, पंजाबी में 93 और सिंधी में कुल 4 पद थे। तो दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिजर्व लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सफल घोषित किए गए हैं रिजर्व लिस्ट में, जिनका नंबर है वो टोटल पद के 50% लगभग 50% को रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 50% जो हैं वो रिजर्व लिस्ट में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में 1000 पद हैं, तो वहाँ पर 500 अभ्यर्थियों को रिजर्व लिस्ट में यहाँ पर सफल घोषित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट सभी विषयों में खाली रहने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसा कि यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा सकता है बहुत सारे विशेषज्ञों से बात करने के बाद और बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सभी विषयों में लगभग 5 से 7% पद खाली रहने की संभावनाएं हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी विषयों में अब जो मंडल आवंटन हुए हैं और ये काउंसलिंग प्रक्रिया कम संपूर्ण होने के बाद जो पद खाली रहे हैं वो लगभग 5 से 7% सभी विषयों में पद खाली रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कितने कितनी पोस्टें किस विषय में खाली रहेंगी वो आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी विषय में कुल 1568 पद थे, और यहाँ पर अगर हम 5 से 7% इसका निकालते हैं, 5% यहाँ पर मैंने जो दिखाया है आपको कि वेटिंग जो पॉसिबिलिटी है वो 5%, यानी कम से कम 5% अगर हम माने तो 78.4 होता है इसका 1568 का, यानी लगभग 79 पोस्ट खाली होती हैं, लेकिन 5 से 7% के बीच में रेशा रहने वाला है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 80 से 85 पोस्ट जो हैं हिंदी में खाली रहने की संभावनाएं हैं। अब दोस्तों ये फिक्स हम कोई भी नहीं बता सकता कि कितनी पोस्टें खाली रही हैं, अभी कोई ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी एक अनुमान हम लगाएं तो लगभग 80 से 85, इसमें ऊपर नीचे हो सकती हैं, 2-4-5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो आप ये कम से कम आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी विषय में कम से कम 80 से 85 सीटें खाली रहने वाली हैं। अंग्रेजी की बात करें तो टोटल पोस्ट 819 थी, यहाँ पर 45 से 50 सीट्स जो हैं वो खाली रह सकती हैं। अब विज्ञान में दोस्तों 65 से 70 सीट खाली रह सकती हैं, अब कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसमें ज़्यादा कोई खास मैटर नहीं है, क्योंकि एक अनुमान है, हम मान के चल रहे हैं कि 5% अगर खाली रहती हैं तो 5 से 7% खाली रहती हैं तो कितनी पोस्टें यहाँ पर बनती हैं इनकी, तो वो एक अनुमान है। गणित की हम बात करें तो 727 टोटल पोस्ट थी, जिनमें 40 से 45 जो सीट हैं वो खाली रहने की संभावनाएँ हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो 1954 टोटल पद थे, जिनमें 105 से 110 जो सीट हैं वो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की खाली हो सकती हैं। संस्कृत विषय की अगर हम बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं आप 105 से 110, यानी एसएस और संस्कृत में लगभग सेम जो हैं वो पोस्ट खाली रह सकती हैं, क्योंकि संस्कृत में काफ़ी पोस्ट हैं, 2029 टोटल पोस्ट हैं, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 105 से 110 से तो कम सीट खाली ही रहेंगी।
उर्दू में 118 पद थे, तो यहाँ पर 8-10 सीट जो हैं वो खाली रह सकती हैं। पंजाबी में 93 जो पोस्ट थी, तो यहाँ पर 5-7 पोस्ट खाली हो सकती हैं। सिंधी में 4 ही पोस्ट थी, तो यहाँ पर कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता सीट खाली रहेगी या नहीं, तो इस पर मैंने ब्लैंक छोड़ा है। तो आप यहाँ पर ये अंदाज़ा देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये बताने का एक रीज़न ये है कि बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरी ये रैंक है, मेरी रैंक 30 है, मेरी रैंक 35 है, 40 है, जो भी है, तो वो अपनी रैंक बता रहे हैं और रैंक से वो आप एक अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि क्या उनका यहाँ पर संभावनाएँ बनती हैं या नहीं बनती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स, रैंक यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है। रैंक जो है इतना मैटर नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है मैं बताता हूँ, क्योंकि जनरल सीट खाली रहती हैं, तो वहाँ पर जनरल कैंडिडेट ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जनरल जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा गई थी, फाइनल कट ऑफ, और जो रिजर्व कट ऑफ है वो भी जनरल की ज़्यादा है, तो वहाँ इतने नंबर वाले जो हैं वो अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं हैं, इसलिए अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं जनरल में यहाँ पर डिजर्व नहीं करेंगे। तो ये भी एक खास बात है। दूसरी चीज़ कि जन ओबीसी कैंडिडेट ओबीसी में ही फाइट होंगे, ओबीसी जो कैटेगरी है, ऐसे ही एससी एसटी एमबीसी जो भी हैं सभी अपनी अपनी कैटेगरी में शामिल होंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस भी कैटेगरी की पोस्ट खाली रहती हैं उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को उसमें शामिल किया जाएगा। जैसे ओबीसी के सीट्स ज़्यादा खाली रहती हैं तो वहाँ पर ओबीसी के कैंडिडेट ही शामिल किए जाएंगे। अब इसकी प्रक्रिया किस प्रकार होगी, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर चयन होगा। तो इस पर मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस पर मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अब दोस्तों आगे बात कर लेता हूँ कि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट्स हैं कि बहुत से कमेंट्स करेंगे कि सर ये इतनी सीटें खाली कैसे रह सकती हैं, यानी सेकंड ग्रेड जैसी वैकेंसी को कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा, इतनी पोस्ट खाली नहीं रह सकती। तो मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में, यानी सेकंड ग्रेड 2018 में जो फाइनल चयन हुआ है जिन अभ्यर्थियों का, उनमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो पहले से ही थर्ड ग्रेड में या सेकेंड ग्रेड में पोस्टेड थे, यानी वो पहले से ही सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड टीचर थे, तो उन्होंने ये दोबारा एग्ज़ाम दिया अपने गृह जिला पाने के लिए या पास में एक अच्छी रैंक बनाने के लिए, वो मतलब दोबारा उन्होंने एग्ज़ाम दिया। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है जो पहले से ही सेकंड ग्रेड में थे, तो अगर उनको अपना गृह जिला या होम डिस्ट्रिक्ट या कह सकते हो अपना इच्छुक विद्यालय नहीं मिला है, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका डार्क जोन में यहाँ पर विद्यालय मिला है डार्क जोन में, या दूर काफ़ी 500-600 किलोमीटर दूर तक भी उनके नंबर आए हैं मंडल आवंटन जब हुआ है, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी जो हैं वो निश्चित तौर पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा। तो मंडल आवंटन में मुख्य रूप से जो इसका कारण था वो था वर्गवार आरक्षण देना, यानी यहाँ पर मंडल आवंटन में वर्गवार आरक्षण दिया गया था, यानी जैसे ओबीसी कैंडिडेट जो है उसको अगर उसकी रैंक से अगर ज़्यादा भी रैंक है एससी या एसटी कैंडिडेट की, तो उसको अपना गृह जिला मिल गया, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट को वो जिला नहीं मिला, यानी यहाँ पर भी एक आरक्षण दिया गया है स्कूल सिलेक्शन में भी। तो ऐसे में दोस्तों निश्चित तौर पर काफ़ी जो पोस्ट हैं वो खाली रहने की संभावनाएं हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 5-7% पोस्ट यहाँ पर खाली रह सकती हैं। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसका दूसरा ये रीज़न ये हो सकता है कि इनमें से कुछ अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है सेकंड ग्रेड 2018 में, तो कुछ अभ्यर्थियों का अन्य भर्तियों में भी चयन हुआ है। कुछ ही हैं, ऐसे बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी उनका अन्य भर्तियों में जैसे एलडीसी या अन्य एसआई वगैरह भर्तियों में चयन हुआ है, तो हो सकता है उन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं ली हो, ठीक है। तो ऐसे भी ये भी एक रीज़न हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर पोस्ट खाली रहेंगी और हर बार रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार ये हैं, हर बार हमेशा पोस्ट खाली रहती हैं, कंप्लीट पोस्ट कभी भी एक साथ नहीं भरती हैं। तो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा कम से कम 5-7% पोस्ट यहाँ पर खाली रहने वाली हैं। अब यहाँ पर बहुतों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है,
मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, बॉसों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ और मेरी रैंक 300 है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी रैंक 300 भी है तो वो देखना होगा कि आपकी सब्जेक्ट में जनरल कैंडिडेट किस रैंक तक यहाँ पर आ रहे हैं, यानी आपके नंबर यहाँ पर काफ़ी डिफाइन कर रहे हैं। अब दोस्तों मेनली बात आती है मार्क्स की, यानी आरपीएससी ने जो फाइनल मार्क्स जो हैं सबके जारी कर ही दिए हैं। तो अब यहाँ पर जिसके मार्क्स, मैं आपको बता दूँ कि किन का चयन हो सकता है, तो सभी कैटेगरीज में, यानी सभी कैटेगरीज में और सभी सब्जेक्ट्स में जिसके मार्क्स एक से लगभग एक के आसपास, एक से सवा या डेढ़ नंबर के आसपास में जिनके आ रहे हैं फाइनल कट ऑफ के, यानी जैसे मान लो फाइनल जो कट ऑफ है वो 350 है, तो अगर आपके 349 हैं मार्क्स या 348 पॉइंट कुछ हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके चयन की संभावनाएं बनती हैं। एक से डेढ़ नंबर यदि आप पीछे हैं मुख्य लिस्ट से, तो यहाँ पर आपके चयन की संभावनाएं पूरी पूरी बनती हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होगा, जैसे जिन सब्जेक्ट्स में अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, ज़्यादा भीड़ है, तो ऐसे में जैसे कि SS है, हिंदी है, ऐसे सब्जेक्ट्स में पॉइंट पर काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर मिलेंगे, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में काफ़ी कम अंतराल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अधिकतम मेरा मानना है कि एक नंबर तक वेटिंग जा सकती है, और बाकी जो जिनमें अभ्यर्थी कम हैं तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो वहाँ डेढ़ नंबर तक की वेटिंग जा सकती है। डेढ़ से दो नंबर भी अगर चले जाए तो कोई अलग बात नहीं होगी। तो ऐसे में दोस्तों अब आपके जो डाउट हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अब एक प्रश्न और आता है सभी के कि ये वेटिंग लिस्ट जो है वो कब तक जारी होगी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि वेटिंग लिस्ट जो है उसके जारी होने का जो समय है अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट तक ये वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है, यानी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जो है वो नवंबर या दिसंबर में जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो अभी इसके ही इंतज़ार में आप ज़्यादा न रहें और अपना कार्य करते रहें। और अंत में दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने एक पोस्ट के माध्यम से प्रश्न किया था कि मैं इस पर वीडियो किस प्रकार डालूँ, तो वहाँ पर आधे अभ्यर्थियों ने, लगभग 50% अभ्यर्थियों ने ये कहा था कि आप वीडियो बनाकर डालें, 50% अभ्यर्थियों ने कहा था लाइव आकर डालें। तो दोनों का मन मेरे को रखना है, तो मैंने पहले वीडियो बनाकर डाल दिया है। आपके जो डाउट्स हो मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मैं जल्द ही आपके सामने लाइव आऊँगा, और तब आपके जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को लेकर लाइव आऊँगा, और कमेंट्स के जवाब मैं लाइव आकर के दूंगा। तो अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आपका ये मित्र आपके साथ है, और हमेशा अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरपीएससी से जुड़ी हुई तमाम भर्तियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।